महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर महापालिका आयुक्त राजा दयानिधी यांची आज आमदार कुमार आयलानी यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. पावसाळ्यापूर्वी केली जाणारी सर्व कामे तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करा असा आदेश आमदार कुमार आयलानी यांनी प्रशासनाला दिला आहे. या बैठकीत पावसाळ्यापूर्वी डांबरीकरण, रस्त्यावरील खड्डे, नालेसफाई, डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचा ढिगारा, धोकादायक इमारती, ट्रॉजिट कॅम्प, पाईपलाईन लिकेज, हॉकर झोन, सार्वजनिक शौचालयाची खस्ता हालत अशा अनेक विषयांवर भाजपच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांशी चर्चा करून तात्काळ सोडवण्याचे आदेश दिले. की मान्सून के पहले सभी शहर के रस्ते पाटोल्स कंप्लीट होना चाहिए. उसके अलावा जो सीमेंट कांक्रीकरण के रोड्स पास किए गए हैं वो जल्द से जल्द चालू हो जावे और पूरे भी हो जाए. उसके अलावा इस शहर में जो एक नया टेंडर आ रहा था वाटर सप्लाई का, जो रिपेयरिंग का, उसके लिए हमने कहा गया कि ये जो टेंडर निकल रहा है वो गलत है. टेंडर छोटे छोटे ठेकेदार को मिलना चाहिए या प्रभाग समिति वाइज हर साल के लिए टेंडर निकलना चाहिए. इस शहर में बस सेवा चालू होनी चाहिए. इस शहर के जो भी झोपड़पट्टी इलाका या कमर्शियल एरिया या जापानी बाज़ार या और मार्केट्स है, जो भी टॉयलेट्स है, किसमें लीकेजेज है, किसमें पानी बरोबर से नहीं आ रहा है, किसका वांडे टूटे हुए हैं, किसकी वाशबेसिन टूटी हुई है, किसके दरवाजे नहीं है, और सभी टॉयलेट्स चेक करके रिपेयर करने चाहिए. उसके सवा समाज मंदिर इस शहर में एक नंबर से लेकर पाँच नंबर तक जहाँ जहाँ पे भी हर वार्ड में समाज मंदिर बनाए गए हैं, वो समाज मंदिर का कहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम है, कहाँ पे अंदर दरवाजे का प्रॉब्लम है, विंडो का प्रॉब्लम है, या जो भी अंदर के प्रॉब्लम्स है, सभी समाज मंदिर को ठीक किया जाए कि वो हर वार्डवासी, हर शहरवासी अपने अपने इलाके में वो समाज मंदिर वापर सके. उसके अलावा जो तीन नंबर ओटी में पिंटो पार्क से लेके अपना उल्लास स्टेशन तक जो ब्रिज का भूमि पूजन किया गया था उसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, वो जल्द से जल्द काम शुरू हो. शहर के काफ़ी सारे मुद्दे, पानी जहाँ जहाँ पे नहीं आ रहा है, पानी की समस्या को कैसे दूर किया जाए, इलेक्ट्रिकल जो और प्लस गार्डन्स शहर के जहाँ जहाँ पे भी टूटे फूटे हैं मानसून के पहले, उस गार्डन्स में ग्रीनरी वगैरह लगाई जाए, काफ़ी सारे मुद्दे हैं. और हमारे भाई राजेश वधेरा जी आपको बाकी मुद्दे. प्रशासक उल्लासनगर महानगर पालिका में कुमार आलानी जी के साथ हम लोगों ने विजिट की, उसमें एक मुख्य मेरे तरफ से जो मुद्दा था वो शिक्षण का था. उल्लासनगर महानगर पालिका के पास 27 स्कूल हैं जिनमें पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ही कम है, पढ़ाई में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मैंने इनके सामने रखी. हमारे यहाँ पर स्कूल बने हुए नहीं हैं, स्कूल बनाना है, साथ में सातवीं तक की पढ़ाई होती है, आठवीं, नवीं और दसवीं के लिए हमारे विद्यार्थियों को फिर बाहर धक्का खाना पड़ता है, साथ में सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम नहीं है. हमने उनको ये भी निवेदन दिया है कि इंग्लिश और सेमी इंग्लिश ये स्कूल बनने चाहिए. और जहाँ जहाँ स्कूलों में ग्राउंड अवेलेबल है वहाँ पर खेलकूद के मैदान बनाने चाहिए, स्विमिंग पूल बनाना चाहिए और उनको और बहुत सारी सुविधाएं देनी चाहिए. उसके बाद हमने जब भी हम नगर सेवक थे हमने जनरल बाड़ी में पानी के लिए हमने इनको 4 करोड़ का फंड 15वां वित्त आयोग में लाके दिया था. 15वां वित्त आयोग से वो अगर काम होते हैं तो जहां पर पहले से ब्लू लाइन नहीं डाली गई है या ब्लू लाइन डाली गई है लेकिन उसमें कुछ गैप वर्क है वो पूरा होता है. जैसे ओल्ड MBR है बेवस चौक के ऊपर टकड़ी पे एक टाकी बनाई है जो आज तक शुरू नहीं हुई है. मैंने उनको ध्यान पे दिलाया कि वो टाकी बहुत जल्द शुरू करनी चाहिए जिससे इधर से साधुबेला स्कूल, भारत चौक, यहाँ आगे गोल मैदान तक, उधर सिरू चौक तक, वहाँ तक वो पानी पहुँचेगा, खेमानी तक पानी पहुँचेगा तो उससे ये पट्टे में पानी की जो समस्या है वो कम होगी. और पानी का हमारा उल्लास नदी के किनारे पे बसा हुआ उल्लासनगर महानगर पालिका को अपना पानी का कोई सोत्र नहीं है तो वो भी हमने इनको कहा कि वो हमको DPR बना के आप दीजिए. हम अमृत योजना में जाके उनसे 75% पैसा गवर्नमेंट से लाके आपको देंगे और बाकी का 25% कॉरपोरेशन को डाल के वो करने हैं. पूरे शहर में ढक्कन टूटे हैं वो हमने उनको ध्यान दिलाया कि ये ढक्कन अभी डालने चाहिए, अदरवाइज बारिश के टाइम पे लोग उसमें गिर के उनको तकलीफ़ हो जाएगी, काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट होंगे.
ऐसी बहुत सारे हमारे मुद्दे थे जो हमने आज प्रशासक के सामने रखे, उम्मीद करते हैं वो सब जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। श्री कुमार रानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी माननीय आयुक्त जी से मुलाकात किया। बहुत समय तक यह मुलाकात चली। पूरे शहर के कई विषय, कई समस्याओं पर माननीय आयुक्त जी का ध्यान आकर्षित किया गया, जैसे पाटोल्स के काम हैं, शहर में जो खड्डे हैं और लीकेज का काम है, पानी की लाइनें टूटी हुई हैं, कहीं पर नई पानी की लाइनें डालनी है, कचरे की समस्या है, डंपिंग ग्राउंड की समस्या है, डब्बे वालों की समस्या है, ऐसी कई समस्याओं पर नाला सफाई का जो विषय है आज विस्तृत चर्चा की गई। माननीय आयुक्त जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आज माननीय आमदार कुमार ऐलानी जी ने अपने आमदार निधि से दो स्वर्गरत महानगर पालिका को सप्रेम भेंट किए हैं, सुपुर्द किए हैं, उनको महानगर पालिका चलाएगी। और जो स्वर्गरत के नंबर थे, मोबाइल नंबर, वो बंद हो गए थे, लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, तो आज वो फ़ोन फिर से शुरू कर दिए गए हैं। और यह नए स्वर्गरत उल्लासनगर महानगर पालिका जल्द से जल्द एक दो दिन के अंदर चालू कर देगी। इस प्रकार कई समस्याओं के बारे में हमारे सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर जो उपस्थित हैं, उन्होंने अपने अपने वार्ड की, शहर की सारी समस्याएं माननीय आयुक्त जी के सामने रखी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय आयुक्त जी इन सभी कामों को बरसात से पूर्व इस 15-20 दिन के अंदर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। परिवहन समिति जो कई दिनों से रुकी हुई है, उस परिवहन समिति पर भी हम पूरी टीम और परिवहन समिति की जो हमारी समिति है, सुभाष तनौड़े जी, हम लोगों ने और आमदार कुमार अरविंद जी ने एक सजेशन दिया है कि कल्याण की जो परिवहन समिति है उनकी बसें यहां पर शुरू हों जब तक हमारा नया टेंडर हो। और नए टेंडर के बारे में भी राजेश वद्रिया जी ने कई सुझाव वहाँ पर रखे हैं और नया टेंडर भी बहुत जल्द होगा और आने वाले 15 दिनों के अंदर परिवहन सेवा शहर में शुरू हो जाएगी। हमारे आमदार कुमार ऐलानी जी और जिलाध्यक्ष जमनू बुरस्वानी जी के नेतृत्व में बीजेपी की पूरी टीम कमिश्नर साहब से मिली, जो भी प्रशासक हैं, उसमें जो मेन विषय था हमारे तरफ से, मेरी तरफ से 33 रोड जिनको हॉकर्स जोन घोषित किया गया है, तो उसमें जिन रोड्स पर ऑब्जेक्शन आई है उनको हॉकर जोन घोषित नहीं किया जाए, ऐसी हमने मांग कमिश्नर साहब से की। दूसरा, जो नाला सफाई शहर में बहुत लेट चालू हुई है, अभी चालू हुई है, उसमें लिंक रोड का नाला और बहुत जो व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ पर पानी भरता है, वहाँ पर जल्द से जल्द नाला सफाई की जाए, जैसे वहाँ पर व्यापारियों को तकलीफ नहीं हो। तीसरी बात, नेहरू चौक और कुछ एरियाज़ में हॉकर्स का बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पर कमिश्नर साहब को विज़िट करने के लिए बोला है, उनको बोला गया है कि आप खुद आकर हालत देखिए, कुछ कंट्रोल हुआ है। हमारी जो आमदार साहब की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसको रात तक उसको ड्यूटी देकर राजेश वद्रा साहब ने एक सजेशन दिया कि जो 20 शिफ्ट होता है 11 तक, तो ऐसे 10-11 बजे तक स्टाफ वहाँ पर UMC का होना चाहिए, जैसे फेरी वालों पर कंट्रोल हो और शहर के जो रास्ते हैं और ट्रैफिक फ्री हो सके। तसेच आमदार कुमार ऐलानी यांनी आमदार निधीतून महापालिकेला 2 स्वर्गरत गाड्या सुपूर्त केल्या आहेत, त्याचाही लोकार्पण सोहळा आज संपन्न झाला। आकाश सहाणे, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।